नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का बिहार समाचार में। आइए आज बिहार के 15 बड़ी खबरों को जानते हैं। तो फटाफट से सभी कमेंट बॉक्स में ये जरूर बताएं कि आप बिहार के किस जिले में रहते हैं, और साथ ही आपके मन में अगर कोई भी सवाल हो तो आप हमें कमेंट बॉक्स में जरूर पूछें, और अपने तरफ से एक प्यारा लाइक इस वीडियो को जरूर कर दें। सबसे पहली खबर, बिहार में पीएम का तीसरा दौरा। मोदी बोले, एक पक्ष लालटेन लाना चाहता है तो दूसरी ओर एनडीए ने गांव-गांव दुधिया रोशनी कर दी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने रविवार को बिहार का तीसरा दौरा किया। दिन भर में 4 सभाएं की। सबसे पहले उन्होंने छपरा में रैली की। राहुल गांधी और तेजस्वी यादव पर तंज कसते हुए कहा कि हमारी डबल इंजन वाली सरकार है तो यहाँ डबल युवराज है। यूपी में जो डबल युवराज का हुआ, वहीं बिहार में भी होने वाला है। बगहा की चुनावी रैली में मोदी ने कहा कि एक तरफ जंगल राज वाली सरकार है जो अंधेरा लाना चाहती है ताकि फिर लालटेन जले, दूसरी ओर एनडीए है जिसने गाँव गाँव बिजली पहुँचाकर एलईडी से दुधिया रोशनी कर दी। तो वहीं दूसरी तरफ राजद ने पीएम से पूछा सवाल, कहा किस लकड़सुंगा ने लॉकडाउन किया, किसकी वजह से लाखों बिहारी लॉकडाउन में परेशान हुए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपनी सभा में लकड़सुंगा और जंगल राज शब्द का प्रयोग क्या किया कि राजद ने उसे सीधे हमले में ले लिया। राजद के राष्ट्रीय प्रवक्ता कुमार झा ने कहा कि किस लकड़सुंगा ने लॉकडाउन किया, किसकी वजह से बिहार के लाखों लोग परेशान हुए। बिहार की जनता उस लकड़सुंगा को बहुत अच्छा से जानती है। मनोज झा ने सवाल किया, पीएम ने कहा कि छठ तक लोगों को मुफ्त अनाज मिलेगा, तो क्या छठ के बाद बिहार के लोगों की गरीबी दूर हो जाएगी, भूख नहीं लगेगी। नीतीश कुमार के घोटाले को गिनाने वाले प्रधानमंत्री क्या एनेमिया के शिकार हो गए हैं। कहा कि कपूरी ठाकुर की सरकार कैसे गिरी यह पूरा बिहार जानता है, वे लोग कौन थे, किससे छिपा हुआ है। बिहार के वृद्धा अवस्था लोगों के लिए एक अच्छी खबर सामने आ रही है। जी हां, पोस्टल बैलेट से नहीं कर पाए मतदान तो कैब से बूथ तक जाएंगे बुजुर्ग और शारीरिक रूप से अक्षम मतदाता। अगर आप पटना शहर के मतदाता हैं, अधिक उम्र के कारण बूथ तक जाने की हिम्मत नहीं जुटा पा रहे हैं, बस एक नंबर डायल करिए, आपके घर कैब आएंगे और बूथ तक लेकर मतदान कराएगी। चुनाव आयोग ने पटना शहर के 80 वर्ष से अधिक उम्र के मतदाताओं के लिए एक बड़ी पहल की है। कोई मतदाता नहीं छूटे इसीलिए ऐसा काम किया जा रहा है। अगर शारीरिक रूप से असक्षम है तो भी कैब की सुविधा का लाभ मिल रहा है। ऐसा पहली बार किया जा रहा है कि जब पटना शहर में मतदाताओं के लिए मुफ्त परिवहन की व्यवस्था की जा रही है। इस सेवा का उपयोग करने के लिए मतदाताओं को सबसे पहले मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी बिहार के टोल फ्री नंबर 1800-345-1950 को कॉल करना होगा। उसके बाद मतदाताओं को मोबाइल पर उबर ऐप डाउनलोड करना होगा। जब मुख्य निर्वाचन अधिकारी को मतदाता फोन करेगा तो उसके पास मोबाइल पर ही एक कूपन आ जाएगा। ऐप से कैब बुक करते समय उक्त कूपन को उसमें दर्ज करना होगा, जिससे किराया मुफ्त हो जाएगा। प्रधानमंत्री जी जवाब दे, तेजस्वी ने पूछा, 6 वर्ष बाद मोतिहारी आए लेकिन बंद चीनी मिल एवं चाय के बारे में कुछ नहीं बोले। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अभी बिहार में हैं। उनकी मोतिहारी की चुनावी सभा के बाद नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने ट्वीट कर चाय की याद दिलाई। चाय पर यह राजनीति 6 साल पहले की है और बिहार विधानसभा चुनाव आने पर चाय की प्याली फिर से गई है। प्रधानमंत्री ने मोतिहारी में सभा की तो उस पर राजद नेता तेजस्वी यादव ने निशाना साधा। तेजस्वी ने कहा कि प्रधानमंत्री जी 2014 के मोतिहारी की सभा में कहा था कि वो मोतिहारी की बंद चीनी मिल को शुरू करवाकर अगली बार मोतिहारी आगमन पर उसमें बनी चाय की चाय पियेंगे। प्रधानमंत्री जी आज 6 वर्ष बाद मोतिहारी आए लेकिन उस बंद चीनी मिल एवं चाय के बारे में कुछ नहीं बोले। तेजस्वी यादव ने इस ट्वीट के बहाने बिहार में उद्योग को हाल को लेकर निशाना तो साधा ही है, साथ में यह भी जताने की कोशिश की है कि पीएम अपना किया वादा नहीं निभाते हैं। कुशवाहा का विपक्ष पर आरोप, पिता को जेल से बाहर निकालना है इसीलिए तेजस्वी वोट जनता से मांग रहे हैं और नतमस्तक भाजपा के सामने हो रहे हैं। रालोसपा अध्यक्ष उपेंद्र कुशवाहा ने रविवार को नीतीश कुमार और तेजस्वी यादव पर निशाना साधा है। कुशवाहा ने तेजस्वी पर आरोप लगाया कि राजद की उराज को जेल जाने से बचना है और पिता को जेल से बाहर निकालना है इसीलिए वोट जनता से मांग रहे हैं और नतमस्तक भाजपा के सामने हो रहे हैं, लेकिन हम आवाज उठाएंगे। उपेंद्र कुशवाहा ईंट का जवाब पत्थर से देगा। राजद और भाजपा के बीच
बीच डील हुई है, क्योंकि कोई कैसे विश्वास के साथ बोल पा रहा है कि 9 नवंबर को लालू जेल से बाहर आएंगे। ये बात किस आधार पर कही जा रही है, कोर्ट बेल देगा, यह तेजस्वी को कैसे पता है? रविशंकर प्रसाद को इस पर जवाब देना चाहिए। इस डील का हिस्सा है कि सीट मिलने पर भाजपा और राजद मिलकर सरकार बनाएगी और नीतीश कुमार सत्ता से बाहर कर दिए जाएंगे। कांग्रेस पिछल चगु बनकर रह गई है, बिहार में तेजस्वी जिंदाबाद कर रही है। तो वहीं दूसरी ओर चिराग का दावा, नीतीश छोड़ देंगे एनडीए, फिर मोदी को चुनौती देने की करेंगे कोशिश। लोक जनशक्ति पार्टी के अध्यक्ष चिराग पासवान ने रविवार को दावा किया कि बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार विधानसभा चुनाव 2020 के नतीजे आने के बाद भाजपा से नाता तोड़कर प्रदेश के मुख्य विपक्षी पार्टी राष्ट्रीय जनता दल के नेतृत्व वाले महागठबंधन में शामिल हो जाएंगे और 2024 के लोकसभा चुनाव में एनडीए को चुनौती देने की एक और कोशिश करेंगे। बिहार विधानसभा चुनाव अकेले लड़ने का फैसला करने वाले चिराग पासवान को इस चुनाव के बाद नीतीश मुख्यमंत्री के तौर पर स्वीकार नहीं है और वह मौजूदा विधानसभा चुनाव के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को हाथ मजबूत करने के लिए भाजपा का समर्थन करने का दावा करते रहे हैं। तो चलिए अब बात करते हैं राज्य में कोरोना अपडेट को लेकर। तो बिहार में कोरोना संक्रमण की रफ्तार अब धीमी हो गई है, लेकिन इसके बावजूद भी हर रोज हजारों की संख्या में पॉजिटिव मरीज मिल रहे हैं। बिहार में पिछले 24 घंटों में कोरोना के 777 लोग पॉजिटिव पाए गए हैं और इसके साथ ही राज्य में कोरोना संक्रमण की संख्या बढ़कर 217,541 तक पहुँच गई है। बिहार में फिलहाल 8,639 लोग कोरोना के एक्टिव मरीज है। तो वहीं दूसरी ओर राजधानी पटना की बात करें तो पटना में कोरोना का कहर का नाम नहीं ले रहा। राजधानी पटना में एक बार फिर से सबसे ज्यादा 274 नए मामले सामने आए हैं। आपको बता दें पिछले 24 घंटों में कोरोना से 6 लोगों की जान चली गई है। इसके साथ ही राज्य में कोरोना से मरने वालों का आंकड़ा 1,090 तक पहुंच गया है। बिहार के लोगों के लिए खुशी की बात यह है कि महज 24 घंटों के भीतर 1,186 कोरोना से स्वस्थ हुए हैं। महिलाओं को नौकरी में देंगे 50% आरक्षण, पप्पू यादव बोले बेटियों के खाते में जमा कराएंगे 1,00,000 रुपए। जन अधिकार पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष पप्पू यादव ने बिहार चुनाव में एक बड़ा ऐलान किया है। उन्होंने सीएम नीतीश को पीछे छोड़ने की बात कही है। पप्पू यादव ने कहा कि बिहार की जनता को यह मंथन करने की जरूरत है कि हमारा प्रदेश भूख, स्वास्थ्य, शिक्षा, कानून व्यवस्था, प्रति व्यक्ति आय के सूचकांकों में सबसे निचले स्थान पर क्यों है। आपने 30 साल दो नेताओं को दिया, 3 साल हमें दीजिए। हम कोर्ट में एफिडेविट देकर 3 साल मांग रहे हैं। हमारी लड़ाई 30 साल बनाम 3 साल की है। अब बदलाव का समय है, आप बदलाव के लिए वोट करिए। पप्पू यादव ने कहा कि यदि हमारी सरकार बनती है तो गरीब के घर में जन्म लेने वाली बेटी के नाम पर बैंक में 1,00,000 का फिक्स डिपॉजिट जमा कराई जाएगी। महिलाओं को सशक्त बनाने के लिए सरकारी नौकरी में 50% सीटें महिलाओं के लिए आरक्षित की जाएगी। तेजस्वी यादव और तेज प्रताप यादव पर हमला बोलते हुए उन्होंने कहा कि लॉकडाउन में दोनों युवराज कहां गायब हो गए थे। उस कठिन परिस्थिति में मैंने और मेरे पार्टी के कार्यकर्ताओं ने लाखों जरूरतमंदों तक राशन पहुंचाया है। तेजस्वी के वादे पर नीतीश का हमला, बोले हर साल कहां से लाएगी 1,44,000 करोड़ रुपए। सीएम नीतीश ने कहा कि विपक्ष हमको क्या घेरेगा, ये लोग जो बोल रहे हैं क्या कभी किसी ने राज्य के बारे में सोचा है। किसी को सरकारी नौकरी क्या मिली है, उनका 15 साल जो राज था उस राज्य में 10 साल झारखंड और बिहार एक था। 15 साल बिहार झारखंड के साथ इन्होंने कुल कितनी नौकरी दी है, मात्र 95,000 नौकरियां दी गई थी। उन्होंने कहा कि हम लोगों को जो मौका मिला उसमें 6,00,000 से ज्यादा बेरोजगार को दी है और अभी भी कितनों लोगों को इंटरव्यू चल रहा है। विभाग जिस तरीके से बात कर रहा है वह हास्यास्पद है। 1,44,000 करोड़ रुपए एक साल में न्यूनतम चाहिए। जब वह राज कर रहे थे तो उनका बजट कितना था, जो कर रहे हैं कि क्या वह कर देंगे। लालू ने पूछा लॉकडाउन में फंसे मजदूरों को वापस लाने के वक्त डबल इंजन कहाँ था। बिहार विधानसभा के दूसरे चरण के चुनाव से पहले रविवार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लालू यादव के गढ़ छपरा में रैली की। इस रैली में पीएम ने राजद पर निशाना साधते हुए कहा कि आज बिहार के सामने एक तरफ डबल इंजन की सरकार है तो दूसरी तरफ डबल डबल युवराज है और एक तो जंगल राज के युवराज भी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की रैली के बाद राजद सुप्रीमो लालू यादव ने पलटवार किया है। लालू ने ट्वीट करते हुए लिखा कि यह डबल इंजन नहीं ट्रबल इंजन है। लॉकडाउन में फंसे मजदूरों को वापस लाने वक्त डबल इंजन कहाँ था, यह डबल इंजन नहीं ट्रबल इंजन है।
पुष्पम प्रिया चौधरी का ऐलान, सत्ता में आने पर बिहार में खुल जाएगी शराब की दुकान। लंदन रिटर्न पुष्पम प्रिया चौधरी बिहार चुनाव के जरिए सीबीक को बदलने का वादा करती है। पुष्पम प्रिया का दावा है कि उनकी प्लूरल्स पार्टी बिहार को बदलने के वादे को पूरा करके दिखाएगी। कभी पुष्पम प्रिया चौधरी बिहार को वर्ल्ड क्लास अर्बन पब्लिक ट्रांसपोर्ट देने की बात करती है, तो कभी पटना में पॉल्यूशन फ्री सड़कें, रेटल साइकिल और अलग अलग साइकिल ट्रैक बनाने का जिक्र भी करती है। अब पुष्पम प्रिया चौधरी ने बिहार से शराबबंदी को खत्म करने की बात कही है। उन्होंने ट्वीट करके लिखा कि कभी ग्रीस और रोम तक विश्वविख्यात पाटलिपुत्र पटना बाकीपुर को खुशनुमा शाम हैंगआउट प्लेस देकर दकियानुसी शराबबंदी से कॉस्मोपोलिटन कैपिटल कौन बनाएगा? मैं नहीं, आपका शानदार वोट, शानदार भविष्य के लिए मनहूस थके हुए लोगों को भगाइए, ग्लोबल बन आगे बढ़िए। दरअसल पुष्पम प्रिया बाकीपुर से चुनाव लड़ रही है, जहां 3 नवंबर को वोटिंग है। बिहार में चुनाव के बाद फिर की जाएगी डोर टू डोर कोरोना मरीजों की स्क्रीनिंग, जाने क्या चल रही है तैयारी। बिहार में कोरोना काल में होने वाले चुनाव को देखते हुए स्वास्थ्य विभाग अलर्ट मोड में है। विभाग उन जिलों में कोरोना जागरूकता अभियान को दोबारा बढ़ाया है जहां चुनाव हो गए हैं। वहीं चुनाव के बाद कोरोना स्क्रीनिंग के लिए दोबारा से डोर टू डोर तैयारी की जा रही है, ताकि इस खतरे से लोग सुरक्षित रहे। हर पीएचसी में जांच की व्यवस्था की जाएगी। जिन्हें जांच कराने की जरूरत महसूस हो रही है, उनकी जांच आराम से की जा रही है। डोर टू डोर स्क्रीनिंग करने के लिए जिलों में डीएम की तैयारी करने की दिशा निर्देश भी भेजा गया है। अगर आपका कोई भी काम बैंक में है तो आप उसे जल्द से जल्द कर ले, क्योंकि नवंबर में 11 दिन बंद रहेंगे बैंक। साथ ही जाने दीपावली, भैया दूज, छठ जैसे महापर्व इस माह में कब? जी हां, बिहार में नवंबर माह में 11 दिन बैंक बंद रहेंगे। इसमें 6 दिन रविवार और शनिवार की सामान्य छुट्टी होगी, जबकि 5 दिन दीपावली, भैया दूज, छठ और गुरु नानक जयंती को लेकर बैंक बंद रहेंगे। छठ को लेकर 2 दिन की छुट्टी रहेगी, क्योंकि इसमें 1 दिन शनिवार भी है। किस दिन बैंक बंद रहेंगे? सबसे पहले 1 नवंबर रविवार, 8 नवंबर रविवार, 14 नवंबर दीपावली, 15 नवंबर रविवार, 16 नवंबर भैया दूज, 20 से 21 नवंबर छठ, 22 नवंबर रविवार, 28 नवंबर चौथा शनिवार, 29 नवंबर रविवार और 30 नवंबर को गुरु नानक जयंती मनाई जाएगी। चिराग का दावा, 7 निश्चय में उजागर हुआ घोटाला, मेरी बात आयकर विभाग ने सच साबित की। लोजपा प्रमुख चिराग पासवान ने ट्वीट करके कहा कि 7 निश्चय योजना में घोटाला उजागर हुआ है। आने वाले दिनों में नीतीश कुमार तक जांच पहुंच सकती है। 7 निश्चय योजना में भ्रष्टाचार हुआ है। आयकर विभाग की जांच में 75 करोड़ की अवैध संपत्ति सामने आई है। यह कई हजार करोड़ का घोटाला हो सकता है। चिराग ने कहा कि मैं हर चीज को जांच कराऊंगा, दोषी पाए जाने पर जेल भी जाना होगा। चिराग पासवान ने कहा कि 7 निश्चय में घोटाले की जो बात कह रहे थे, उन्हें इनकम टैक्स विभाग की कार्रवाई ने साबित कर दिया है। और अंत की बड़ी खबर, दूसरे चरण के 94 सीटों के लिए थमा प्रचार का शोर, 3 को वोटिंग है। तेजस्वी प्रताप समेत कई दिग्गज है मैदान में। बिहार विधानसभा चुनाव के लिए दूसरे चरण में 17 जिलों के 94 सीटों के लिए चुनाव प्रचार का शोर रविवार की शाम को थम गया। कुल 1463 उम्मीदवार चुनाव मैदान में हैं। इनमें से 1316 पुरुष, 146 महिला एवं 1 जेंडर के प्रत्याशी शामिल है। इस चरण में 623 निलंबित गैर मान्यता प्राप्त दलों से तो 513 निर्दलीय प्रत्याशी चुनाव में अपना भाग आजमा रहे हैं। जिन चुनाव क्षेत्रों में 4 बजे तक मतदान होना है वहां रविवार की शाम 4 बजे और जिन क्षेत्रों में 6 बजे तक मतदान होना है वहां शाम 6 बजे के बाद चुनाव प्रचार समाप्त हो गया। इस चरण में भाजपा कोटे से 2 मंत्री, पटना साहिब से नंदकिशोर यादव व मधुबन से राणा रणधीर सिंह, कुम्हरार विधानसभा से सत्तारूढ़ दल के उप मुख्य संचेतक अरुण कुमार सिन्हा, जदई कोटे से नालंदा से श्रवण कुमार, चेरिया बरियापुर से पूर्व मंत्री मंजू वर्मा, नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी प्रसाद यादव, पूर्व मंत्री तेज प्रताप यादव सहित अन्य प्रमुख नेता चुनाव मैदान में हैं। तो इसी के साथ ही आज के समाचार में इतना ही। डेली बिहार की बड़ी खबरों को जानने के लिए आप बिहारी मीडिया को जरूर सब्सक्राइब